नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मॉडल्स। ये मॉडल्स आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपके एग्जाम्स में जो है ये बहुत आता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मॉडल्स। तो मॉडल्स ये हमारे एग्जाम्स के अंदर कुछ नहीं तो मार्क्स 2, किसी किसी एग्जाम में 3। और अगर मैं कम से कम की बात करूं कि यार कम से कम की बात करूं तो ये एक मार्क्स का, यानी एक मार्क्स का तो ये 100% एग्जाम्स के अंदर आता है। सो गाइस, मैंने आपको जैसा बताया कि मॉडल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट और कैसे कैसे आते हैं, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मॉडल में वुड का यूज, कि हम वुड का यूज कैसे करते हैं और किस प्रकार से एग्जाम्स के अंदर आता है। सो गाइस, मैं कुछ बातें बताऊंगा यहां पर, आप चाहें तो आप एक पेन ले लें और नोटबुक ले लें और इसको नोट डाउन कर लें। तो हमारा पहला मॉडल है यूज ऑफ वुड। तो वुड का पहला पॉइंट है हमारा पॉइंट 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंट 1 यानी वुड के कितने यूजेस होते हैं, मैं आज आपको पढ़ाने जाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो पहला पॉइंट है हमारा, सपोज कीजिए, मैं आपको पढ़ाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 11 है, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हो और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 आता है और उसमें एक क्वेश्चन दे दें आपको इस तरीके से, वुड यू, ये यू लिखा है मैंने और ये लिखा है मैंने यहां पे माइंड और ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको ये क्वेश्चन मिले आपकी स्क्रीन पर, वुड यू माइंड, और आपको यहां पे चार ऑप्शन दे दे। ए ऑप्शन में दे दे टू हेल्प, बी ऑप्शन में आपको दे दे, बी ऑप्शन में मान लीजिए आपको दे दे हेल्पिंग, और सी ऑप्शन में आपको दे दे हेल्प, और हमारा डी ऑप्शन में आपको दे दे टू हेल्पिंग। और यहां पे मान लीजिए सपोज यहां पे मी ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ऐसा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाए, आप पेपर में दे रहे हो और आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि वुड यू माइंड और आगे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मी और चार ऑप्शन दे दे, टू हेल्प, हेल्पिंग, हेल्प, टू हेल्पिंग। सो गाइस, आप मुझे बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा वाला ऑप्शन होगा। प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप इसमें कमेंट में जरूर लिखें कि आपने क्या आंसर लगाया था इसमें। चलो मैं अब स्टार्ट करता हूं कि इसके अंदर राइट आंसर होगा क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सभी एक पेन नोटबुक ले लें और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको प्लीज आप लिख लें। तो मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें राइट आंसर है क्या। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, हमारा राइट है, यहाँ पे आएगा हेल्पिंग इज अ राइट आंसर। आखिर हमारा हेल्पिंग यहाँ पे क्यों आया, ऑप्शन टू हेल्प, ये ऑप्शन ए टू हेल्प, यह हमारा सी ऑप्शन हेल्प, और टू हेल्पिंग क्यों नहीं आया और सिर्फ हेल्पिंग क्यों आया, तो मैं बताता हूं। तो आप लिख लीजिए प्लीज, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी वाक्य में सेंटेंस में वुड माइंड दे दे, क्या दे दे गाइस, वुड माइंड दे दे, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में वुड माइंड दे दे तो माइंड के बाद, ये जो मैंने लिखा है यहां पे माइंड, तो माइंड के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, क्या लेते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ लगाते हैं हम आईएनजी, ये हमारा रूल होता है। तो यदि किसी सेंटेंस में आपको वुड माइंड देते,
जरूरी नहीं कि आपको गुड माइंड एक साथ देगा, कई बार क्या होगा गुड कहीं पर होगा और माइंड कहीं पे होगा। जैसे सेंटेंस में देखिए आप, गुड यहां पर है स्टार्टिंग में और माइंड कहां पर है। तो जब सेंटेंस में आपको ऐसे गुड माइंड दे दे, तो माइंड के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे, हमेशा ही फिक्स है और एग्जाम्स के अंदर आता है जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो मैं इसका एक छोटा सा रूल आपके लिए फॉर्म कर देता हूं कि आखिर इसका रूल कैसे बनेगा और आपको कैसे कैसे याद रखना है। सो गाइस देखिए इसका रूल क्या है। तो इसका रूल है हमारा, पहले आपको सेंटेंस में दे देगा वुड, फिर आपको यहां पे एक सब्जेक्ट देगा, सब्जेक्ट यहां पर हमारा कोई भी हो सकता है, यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर ही सी इट नेम हो सकता है, यहां पे सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे हो सकता है, तो सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है यहां पर। तो अगर सेंटेंस के अंदर वुड देगा फिर सब्जेक्ट देगा, देन उसके बाद देगा माइंड, फिर माइंड के बाद हमारा वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वी से मतलब वर्ब और ए का मतलब है फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में हमारा आ गया यहां पर ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। डन गाइस। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर वुड माइंड का हिंदी क्या निकलता है। तो मैं बता दूं कि जिस वाक्य में मेहरबानी करके, कृपया करके, कष्ट करके आए, जिस वाक्य में मेहरबानी करके, कृपया करके, कष्ट करके आए, उन वाक्यों को हम वुड माइंड से बनाते हैं। जैसे मैंने बोला कि यार मेहरबानी करके आप चले जाइए, मैंने क्या लिखा, मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको इसका अच्छे से नॉलेज हो जाए और आपकी इसकी आप हिंदी भी फाइंड आउट कर सके, निकाल सके आप हिंदी की, आप उसका सेंस समझ सके कि इसकी हिंदी क्या होती है। तो मैंने लिखा यहां पे कि मेहर मेहरबानी करके आप चले जाएं, मैंने यहां पे लिखा मेहरबानी करके आप चले जाएं। तो इसको सेंटेंस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वुड रखिए क्योंकि मैंने रूल लिख दिया है पहले वुड ही आएगा हमेशा, तो यहां पे हो गया हमारा रूल वुड, फिर सब्जेक्ट में कौन है मेहरबानी करके आप चले जाइए, तो यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है आप, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा यू, फिर हमें क्या चाहिए माइंड चाहिए, रूल में हमने लगाया यहां पे माइंड, और क्या चले जाएं, हमारा एक्शन वर्ब क्या है, हम कौन सा काम करें, चले जाएं, जाने को हम कहते हैं गो भी कहते हैं, और गो भी कहते हैं जाने को, गो कहते हैं और हम लीव भी कहते हैं, लीव का मतलब भी जाना होता है, तो मैंने चलो गोइंग ले लिया यहाँ पे। तो गो में आप क्या लगाएंगे, हम आईएनजी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमें आईएनजी लेना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत बन जाएगा। तो ये सेंटेंस बन गया मेहरबानी करके आप चले जाइए, तो वुड यू माइंड गोइंग, ये हमारा सेंटेंस बन गया इस तरीके से। तो ये चीज मैंने बेटा आपको पढ़ाया था यहाँ पर, देखिए कि जब सेंटेंस में वुड यू और माइंड ऐसे आ जाए, वुड माइंड आ जाए, तो हम क्या लेते, माइंड के बाद हम क्या लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा हमारा जो ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन है, यानी हेल्पिंग आएगा। तो एक एरर तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अब आपको बताऊंगा कि इस वुड माइंड से रिलेटेड एग्जामिनर पेपर में क्या क्या मतलब करतूत करता है, क्या क्या चेंजेस करता है और बच्चों को वो फंसाता है, आप ना फंसे इसलिए मैं आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूं। देखिए कैसे, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं और ये वाला भी सेंटेंस इरेज कर देते हैं, मैं ऊपर वाला रूल इरेज नहीं कर रहा हूं ताकि आप ये रूल हमारे माइंड में रहे आपको। अब क्या करें, एग्जामिनर इसी चीज को दूसरे तरीके से पूछ लेगा। सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 है और आपको ऑप्शन में ऐसे देते खालिस्तान और यहां पे लिखा मैंने सी माइंड और मैं लिख दिया यहां पे दैट इज और यहां पे लिख दिया मैंने यहां पे लिख दिया डूइंग माय वर्क। मैंने यहां पे लिख दिया
ये फिल इन द ब्लैंक से मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 पेपर में आपको ऐसे देखे पूछ ले, फिल इन द ब्लैंक्स, शी माइंड डूइंग माई वर्क, और आपसे पूछ ले यहाँ पे बताइए क्या आएगा। तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दे मे, दूसरा ऑप्शन दे दे आपको यहाँ पे लाइक फॉर एग्जाम्पल कैन, और एक तीसरा ऑप्शन आपको सी दे दे आपको लाइक विल, और एक ऑप्शन दे दे आपको वुड। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एग्जाम्स के अंदर माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए आप लोग कि अगर सेंटेंस में माइंड है, क्या दे रखा है, माइंड दे रखा है, तो हमेशा जो मॉडल होगा हमारा, जो हमेशा जो मॉडल होगा वो हमारा क्या आएगा, मॉडल हमारा वुड आएगा, हमेशा वुड आएगा गाइस। और एक चीज और माइंड में रख ले, अगर एग्जाम्स के अंदर वुड भी दे दे और वुड के साथ क्या दे दे, माइंड दे दे, तो हमें क्या चाहिए, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए। इस प्रकार से आप याद रखें, यानी हमें फोर्थ फॉर्म चाहिए, यानी आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है जैसे गोइंग कमिंग, उसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए, जब सेंटेंस में माइंड दे रखा है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी इज राइट आंसर। तो ऐसे ही आपके पेपर में, आपके सिस्टम पे ऐसे क्वेश्चन आएगा, अपीयर होगा, और इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो सपोज कीजिए आप, हम एग्जाम में बैठे हैं, ऐसे हमारे सामने चार गोले होंगे गाइस वहां पे ऐसे। अब हमें पता है यार यहाँ माइंड दे रखा है तो बुड आएगा, तो कौन सा बुड, कौन सा ऑप्शन पे, डी पे, तो डी इज द राइट आंसर। डी पे जाके हमें टिक कर देना है और हमारे एक नंबर डन गाइस। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं आपको इसका थर्ड टाइप बताऊंगा कि आपसे कैसे क्वेश्चन वो पूछेगा। गाइज आप चाहे तो मेरी वीडियो को जो है आप स्टॉप पोस्ट करके आप नोट डाउन कर सकते हैं इन सेंटेंसों को, और मैं इनसे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन इनकी मैं पीडीएफ भी बनाऊंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन कैसा बनेगा एग्जाम्स के अंदर, और एग्जामिनर क्या क्या करता है बच्चों को फंसाने के लिए, वो हमारे माइंड के साथ कैसे खेलता है गाइज, मैं आपको वो चीज समझाना चाहता हूँ। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है 31, मैंने ऐसे ही लिख दिया, इमेजिन मतलब एक माइंड में सेट करो क्वेश्चन नंबर 31 लिख दिया मैंने। अब आपको पेपर में ऐसे दे दे, वुड यू माइंड माइंड टू कॉल, क्या लिखा मैंने यहां पे, राजू। सपोज कीजिए ये हमारा इस तरीके से, ये हमारा ए ऑप्शन है, ये हमारा बी ऑप्शन है, और ये हमारा सी ऑप्शन है, और यहां पर मैंने ऑप्शन बना दिया नो एरर, मैंने क्या बना दिया नो एरर। अब मान लीजिए आपके पास 31 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन हमारा 31 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, वुड यू माइंड टू कॉल राजू, और आगे लिखा मैंने नो एरर। अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे देते हैं, चलो हम पेपर में हमारा मान लीजिए ए गोला एक सर्कल, फिर हमारे बी पे सर्कल, सी पे सर्कल, ऐसे हमारे आंसर की पे दिया रहता है। अब आपको इनमें से एक पे टिक करना है माउस से, तो आप मुझे बताओ बताइए कि अगर ए पार्ट गलत है तो ए पे टिक लगाइए, बी पार्ट गलत है तो बी पे टिक लगाइए, सी वाला पोर्शन गलत है तो सी पे टिक लगाइए, डी वाला तब लगाते हैं नो एरर जब वाक्य में कोई भी त्रुटि कोई कमी नहीं होती है, तो हम डी ऑप्शन लगाते हैं नो एरर। तो अब यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने आपको जैसा बताया अभी जस्ट बताया, मैंने रूल इरेज भी नहीं किया है, अगर सेंटेंस में बुट दे दे और सब्जेक्ट तो हमारा कोई भी आ सकता है, देखो यहाँ पे यू दे दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे दिया है माइंड, माइंड भी आ गया। तो आप देखिए गाइस, मैंने लिखा है माइंड के बाद क्या चाहिए मुझे, मुझे गाइस चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी, या फिर आप इसे अपनी भाषा में कह सकते हैं फोर्थ फॉर्म चाहिए, यानी आई एन जी आई एन जी वाली फॉर्म चाहिए फोर्थ फॉर्म। तो आप देखिए यहाँ पे माइंड दे रखा है और माइंड के बाद इसने क्या लगाया, टू लगाया, तो क्या टू आएगा गाइस, नहीं आएगा। तो हमारा कौन सा पोर्शन गलत है, कमेंट में जरूर बताइए प्लीज। तो हमारा जो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे गलत है, यहाँ पे टू कॉल की जगह क्या आएगा गाइस, हमारा जो कॉल की जगह आएगा हमारा कॉलिंग, क्योंकि हमें आई एन जी चाहिए। तो सी पोर्शन गलत है, आपको एग्जाम में जाके सी पे टिक करना है और हमारे एक नंबर यहाँ पे डन होते हैं। तो आपने देखा कि मैंने अभी एक छोटा सा पार्ट पॉइंट पढ़ाया, बुड का भी फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया, लेकिन आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं इन्स एंड आउट्स, यानी बिल्कुल बारीकी जितनी भी जानकारियां जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर में, आपको वही पैटर्न आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में कहीं पे भी ना फंसे।
एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं गाइस। तो हमारा एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, बनेगा क्या, ऐसा वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे कि क्वेश्चन देखिए आपको सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 21 है और वो क्वेश्चन ऐसे बना दे, जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है और बनाते भी हैं वो, जैसे लिखते हैं यहाँ पे वुड शी, वुड शी माइंड, और यहां पे मैंने लिख दिया डांसिंग विद मी, मैंने लिखा वुड शी माइंड डांसिंग विद मी। अब मैंने यहां पे क्या लिखा, डांसिंग में मैंने अंडरलाइन कर दिया, और मैंने यहां पे पूछा कि बताइए कि डांसिंग की जगह क्या आएगा, तो पहला ऑप्शन मैंने आपको लिख दिया डांस, क्या डांस आएगा यहां पे, दूसरे ऑप्शन में लिख दिया मैंने टू डांस, तीसरे ऑप्शन में मैंने लिख दिया यहां पे टू डांसिंग, और मैंने इसका चौथे ऑप्शन दिया है मैंने यहां पे नो इम्प्रूवमेंट, क्या दिया है गाइस, मैंने नो इम्प्रूवमेंट दिया। तो आप मुझे बताइए गाइस, क्या हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने यहां पे लिखा है, जैसे डांस लिखा है यहां पे, क्या यहां पे डांस आएगा या टू डांस आएगा, या फिर हमारा टू डांसिंग आएगा, या फिर आएगा नो इम्प्रूवमेंट। तो मैंने जैसे आपको पढ़ाया कि वुड दे सब्जेक्ट दे और माइंड दे दे, तो माइंड के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पे वुड लग रहा है और यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ माइंड है, तो यार ये देखिए आप यहाँ पे एक बड़ी कि डांसिंग में इन्होंने आईएनजी लगा रखा, तो ये सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल अप टू द मार्क है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, इस वाक्य में हम कोई सुधार नहीं कर सकते क्योंकि ये वाक्य बिल्कुल ठीक ठाक है, सही है। सो अभी मैंने जैसा आपको गाइस बुड का फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया है, अब हम बुड का सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। तो मैं ये सारा का सारा इरेज कर दे रहा हूँ गाइस, ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, ओके। सो गाइस मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूं बुड का सेकेंड पॉइंट, यानी बुड का जो दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बुड का हमारा सेकेंड पॉइंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट क्या है, वो सेकेंड पॉइंट है हमारा वुड रेदर देन, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। और ये वाला जो पॉइंट है गाइस, मैं आपको बता रहा हूं यार, जस्ट ट्रस्ट मी गाइस, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, मैं इसके आगे जितने भी जीरो लगा दूं वो कम है, क्योंकि ये बड़ा जंपिंग क्वेश्चन होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स के अंदर आता है वुड रेदर देन का, और मैं इसे बहुत खुल के पढ़ाऊंगा ताकि आप एग्जाम में फंसे ही नहीं, अगर ये क्वेश्चन आया तो आप 100% करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि वुड रेदर देन का यूज होता कैसे, जब हमारे पास दो काम हो जिनमें से आप एक काम को करने के लिए तैयार हो परंतु दूसरे काम को आप करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा बताने के लिए हम वुड रेदर देन का यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, डन, बहुत बहुत ज्यादा आप उसे प्यार करते हैं, शी इज योर डक डायमंड, वो तुम्हारी क्या है, डक डायमंड। डक डायमंड का मतलब होता है गाइस प्रेमिका, डक डायमंड को हम कहते हैं प्रेमिका, वो मान लीजिए आपकी डक डायमंड है, वो आपकी प्रेमिका है, आप उसे प्यार करते हो, तो आपने उससे कहा शादी करोगे मुझसे, तो वो आपकी डक डायमंड आपको रिप्लाई में कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरे से शादी नहीं करूंगी। तो देखा आपने इस सेंटेंस में, मैं मर जाऊंगी, आपकी डक डायमंड आपकी प्रेमिका कह रही है मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरे से शादी नहीं करूंगी। तो उसके पास दो काम थे, एक शादी करना और एक मरना, तो भैया वो उसको क्या है, उसे मरना पसंद है, वो मर जाएगी लेकिन शादी नहीं करेगी। तो
ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए हम वुड रैदर देन का यूज करते हैं, और आपने देखा इस वाक्य में नकारात्मक वर्ड भी आ रहा है, लेकिन वुड रैदर देन वाले सेंटेंस में नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि वुड रैदर देन अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है। तो चलिए पहले हम इसका एक रूल देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें एरर कैसे कैसे आते हैं। तो इसका रूल है हमारा सब्जेक्ट फिर हमारा आएगा यहां पे वुड फिर आएगा हमारा रैदर वुड रैदर के बाद वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आएगा हमारा टी एच ए एंड देन फिर हमारा आएगा वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आएगा हमारा गाइज ऑब्जेक्ट आएगा हमारा फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा फिर वुड रैदर के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर देन आएगा देन के आगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा रूल होगा। तो मैं आपको एक कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं जो माइंड में सेट रखनी है। पहला पॉइंट आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए कि यदि किसी सेंटेंस में आप इसे लिख सकते हैं यदि किसी सेंटेंस में रेदर दे दे क्या दे दे रेदर दे दे तो उस सेंटेंस के अंदर हमेशा जो मॉडल होगा हमेशा जो हमारा मॉडल होगा वो हमारा मॉडल वुड ही आएगा। वो हमारा क्या आएगा हमारा मॉडल जो है वो वुड ही आना चाहिए। तो यहां पहला रूल बना कि यदि सेंटेंस में रेदर दे रखा है तो उसमें हमेशा वुड ही आएगा। सेल विल कैन कुड मे माइट ये सब नहीं आएंगे सिर्फ वहां पे वुड आएगा। एक पॉइंट तो ये आपको नोट डाउन करना है। दूसरा आपको ये लिखना है कि यदि सेंटेंस में लिख लीजिए इसको यदि सेंटेंस में वुड रैदर दे रखा हो क्या दे रखा हो वुड रैदर दे रखा हो तो आगे तो सेंटेंस में आगे दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्मों को दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्मों को हमेशा देखिए एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर है और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां है तो इन दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्मों को हमेशा कौन जोड़ेगा टी एच ए एन देन जोड़ेगा। इस चीज को माइंड में आप रखना। तीसरा पॉइंट बता दो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है एग्जाम को लेकर। तीसरा पॉइंट ये है कि जिस सेंटेंस में वुड रैदर देन दे रखा हो उस पूरे सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड्स नहीं आएंगे उस सर पूरे सेंटेंस के अंदर नकारात्मक वर्डों का यूज नहीं किया जाएगा। तो अब चलिए हम देखते हैं कि नकारात्मक वर्ड आखिर हैं कौन कौन से। तो हमारा नकारात्मक वर्ड है जैसा कि नो नॉट नेवर जैसे कि हमारा हो गया सेल्डम। ये हमारा जो सेल्डम होता है इसका मतलब होता है कभी कभार। कभी कभार का मतलब बिल्कुल ना के बराबर दैट्स कभी कभार यदा कद यानी यदि कदी मतलब कभी कभी कर लेते हैं ऐसे करके। तो सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार कभी कभार मतलब दैट इज या कभी कभी कह सकते हैं आप कभी कभी यार। अगला वर्ड होता है हमारा हार्डली स्कैर्सली रियली और एक वर्ड है हमारा बियरली। ये जो मैंने आपको चारों वर्ड लिखे हैं हार्डली बियरली स्केर्सली और रियली इन चारों का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। क्या होता है इन चारों का मतलब बड़ी मुश्किल से होता है। इन चारों का अर्थ ये भी होता है ना के बराबर ना के बराबर भी होता है। ये हो गया हमारा। और हमारे कुछ और नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसा कि हो गया हमारा प्रोहिबिट 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 का मतलब क्या होता है वर्जित है मना है। प्रोहिबिट प्रोहिबिट का मतलब होता है मना है वर्जित है।
और हमारा एक नेगेटिव वर्ड्स है यहाँ पर, जैसा कि हमारे पास स्पेस की कमी है, तो मैं ये नेगेटिव वर्ड्स यहाँ लिख देता हूँ, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और हमारा नेगेटिव वर्ड है फोरबिट, ये फोरबिट भी हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे मैंने एक पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि किसी सेंटेंस में वुड रेदर देन दे रखा हो, उस वाक्य में नो नॉट नेवर, मैंने नेवर लिख दिया यहां पे, एन ई वी आर नेवर, उस वाक्य में नो नॉट नेवर, सेल्डम हार्डली स्केर्सली रेयरली बियरली प्रोहिबिट और फॉरबिट, और एक हमारा नेगेटिव वर्ड है इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव है, असंभव हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स वुड रेदर देन वाले सेंटेंस में कभी भी नहीं आने चाहिए, अगर आएगा तो ये हमेशा गलत होंगे, ये हमेशा गलत होंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, थोड़ा स्पेस बनाने के लिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा मेरी वीडियो स्टॉप करके। चलिए गाइस, सो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, मैंने ऐसे लिख दिया और आपको यहां पे लिख दे कि शी विल रैदर फेल देन स्टडी, और ये मैंने, ये हमारा बी पोर्शन है और ये हमारा सी पोर्शन है और ये हो गया हमारा नो एरर, क्या बना दिया मैंने इसको, नो एरर। तो गाइज कौन सा पोर्शन गलत है, आप देख के बताइए मुझे। आप शी विल रेदर फेल देन स्टडी, यहां पे कहने का मतलब ये है कि वह फेल हो जाएगी लेकिन पढ़ाई नहीं करेगी, वह फेल हो जाएगी लेकिन पढ़ाई नहीं करेगी। तो मैंने आपको जैसा बताया और अभी मैंने इरेज भी नहीं किया है कि जिस सेंटेंस में रैदर दे दे, उस सेंटेंस के अंदर जो मॉडल होगा हमारा वो क्या आएगा, वुड आएगा गाइस, क्या आएगा, वुड आएगा। तो विल इज रॉन्ग, विल की जगह पे क्या आना चाहिए, वुड आना चाहिए, तो हमारा ए पोर्शन गलत है। जब आपको एग्जाम में ऐसे चार सर्कल मिलेंगे तो आपको ए वाले पे जाके टिक लगाना है और हमारा आंसर डन हो जाएगा। तो एक एरर तो आपसे ऐसा पूछेगा, दूसरा एरर देखते हैं किस तरीके से आ सकता है, अभी लिख लीजिएगा ठीक है। तो देखिए दूसरा एरर आपसे ऐसे पूछ सकता है इस तरीके से, सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 क्वेश्चन है मान लीजिए, और आपको ऐसे लिख दे कि शी वुड हार्डली हेल्प अस देन डिनाई, और ये हमारा हो गया ये ए ऑप्शन, दैट इज अ बी ऑप्शन, और ये हो गया हमारा सी ऑप्शन, और ये है हमारा नो एरर, ये हमारा नो एरर हो गया डन। अब मैंने यहां लिखा शी वुड हार्डली हेल्प देन डिनाई, इस थोड़ा सा एक हल्का सा इसमें मिस्टेक हो गया, वो लिख देते हैं हम यहां पे ताकि हमारा पूरा सेंटेंस अच्छे से बन जाए। तो शी वुड हार्डली रैदर, ये थी हमारी मिस्टेक। तो ये हमारा हो गया शी वाला हमारा पहला ए ऑप्शन है, वुड हार्डली रैदर हेल्प अस देन डिनाई। तो यहां पे सेंटेंस पूछ रहा है कि बताइए कौन सा पोर्शन गलत है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जिस सेंटेंस में वुड रैदर देन दे दे, उस सेंटेंस में नेगेटिव वर्डों का यूज नहीं होता, क्योंकि वुड रैदर देन अपने आप में नकारात्मक होता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे हार्डली दे दिया,
तो क्या इसमें वुड रैदर देन वाले वाक्य में क्या हार्डली आएगा? मैंने बताया ना ये सारे के सारे शब्द कभी भी वुड रैदर देन वाले सेंटेंस में नहीं आएंगे, तो हार्डली क्या है? गलत है। तो बी पोर्शन इज रॉन्ग। तो ऐसे चार ऑप्शन आपको पेपर में दे देगा, चार सर्कल चार गोले हमें पता, बी वाला पोर्शन गलत है। बी पे जाके आपको टिक लगाना है, माउस से प्यार से ले जाके, और आपके एक नंबर डन हो जाएंगे। तो हम देखते हैं अगला एरर और कैसे कैसे पूछता है पेपर में, वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए गाइस मैं इसको ना इरेज कर देता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि मैं आपको और सही से एरर समझा सकूं। तो मैं सारा का सारा जो डिलीट कर देता हूं, डन। हाँ जी, अब देखते हैं हमारे पास स्पेस है, मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 31 है और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, यू यू वुड रैदर, यू वुड रैदर बोरो टी एच ई एन देन लेंट। क्या लिखा है मैंने यहां पे गाइस? मैंने लिखा है कि यू वुड रैदर बोरो देन लेंट। बोरो मतलब उधार पैसा लेना, और एल ई एन डी लेंट का मतलब क्या होता है? उधार पैसा देना। तो मैंने यहां पे एक सेंटेंस ऐसे करके आपको एग्जाम में बना देगा। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल सीपीओ में जरूर पूछे जाते हैं, बड़े एग्जामों में, बैंकिंग में बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन, और इसको वो अंडरलाइन कर देगा आपको। She would rather borrow THEN than lend। आप पूछेगा बताइए ये जो अंडरलाइन वाक्य करा है क्या ये सही है, या फिर इसके स्थान पर कौन सा वाला वाक्य सही होगा? तो ए ऑप्शन में दे देगा आपको, She will, she will rather borrow then L E N D land। क्या ये वाला ऑप्शन सही है? अगला क्वेश्चन दे देगा, She would rather borrow but land। क्या ये वाला सही है? थर्ड ऑप्शन सी देखते हैं हम, She would rather borrow than L E N D land। ये मैंने क्या लिखा है? L E N D लिखा हुआ है गाइस, डन। ये देन है हमारा और ये लिखा मैंने L E N D land, ये लैंड लिखा हुआ है। और यहां पे डी ऑप्शन आपको दे देगा, No improvement। ये मैंने बना दिया ऑप्शंस। ऐसे सीजल सीपीओ आपके बड़े बड़े अदर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा वाला राइट है, क्या ये वाला सही है? चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, अभी मैंने लिख रखा था, आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, कि अगर किसी सेंटेंस से वुड रैदर दे दे तो दो वर्ग की फर्स्ट फॉर्मों को, क्योंकि बोरो मतलब पैसा उधार लेना और एल ई एन डी लैंड का मतलब पैसा उधार देना, तो दो वर्ग की फर्स्ट फॉर्मों को कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है? टी एच ई एन या फिर टी एच ए एन? तो मैंने आपको जैसा बताया कि टी एच ए एन जोड़ता है, टी एच ई एन नहीं जोड़ता है, डन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये अभी आपको, तो ये वाला हमारा जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो गलत है, यानी ऊपर वाला सेंटेंस गलत है। तो नो इम्प्रूवमेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट अगर लगाता तब लगाता मैं नो इम्प्रूवमेंट जब ऊपर वाला वाक्य सही होता, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कोई सुधार नहीं किया जा सकता, वाक्य बिल्कुल सही है। लेकिन ऊपर तो वाक्य गलत है भैया, क्योंकि यहाँ पे टी एच ई एन नहीं टी एच ए एन आएगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन फिर क्या होगा? वाला ऑप्शन गलत है। अब हम देखते हैं पहला ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन में देखिए मैंने बताया जब रैदर दे दे
और दो वर्गीय फसवों को देन जोड़ रखा हो और रेदर दे रखा हो, जब भी रेदर दे दे तो वहां पे क्या विल आएगा? नेवर, वहां पे क्या आता है? वुड आता है। तो हमारा ए ऑप्शन भी क्या है? गलत है। फिर मैंने देखा दूसरा ऑप्शन, यू वुड रेदर बोरो बट लैंड। यार यहां पे बट नहीं आएगा, क्योंकि जब वुड रेदर दे दे किसी सेंटेंस में तो दो वर्ग की फर्स्ट फॉर्मों को हमेशा कौन जोड़ता है? हमेशा टी एच ए एन जोड़ता है। तो हमारा यहां पे टी एच ए एन आना चाहिए था बट की जगह पर, तो दिस पोर्शन इज रॉन्ग। अब यार देखते थर्ड ऑप्शन, यू वुड रेदर बोरो देन लैंड। इसकी हिंदी सही है, बिल्कुल ये सही है। यू वुड रेदर बोरो, तुम पैसे उधार ले लोगे लेकिन पैसा उधार तुम दोगे नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से हमारे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं और ऐसे आपको चार ऑप्शन दे देगा, बी ए बी सी डी, और चार गोले होंगे गाइस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो हमें पता है सी वाला राइट है, तो सी पे जाके टिक करना है माउस से और हमारे एक नंबर डन हो जाएंगे। तो ये वुड रेदर देन से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैं आपको करा रहा हूं कि कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए गाइस मैं इसको इरेज करता हूं, अब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा मेरी वीडियो को स्टॉप करके। फिर मैं इससे रिलेटेड एक और एरर आपको बताता हूं कैसे आता है। कई बार हो सकता है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 56 मैंने ऐसे बना दिया और आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि दे वुड रादर प्ले, और मैंने यहां पे लिख दिया वॉच, डन सेंटेंस बन गया, दे वुड रादर प्ले खालिस्तान वॉच। आप पूछिएगा बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो आपको ये ऑप्शन में ऐसे दे दे, पहला ऑप्शन बट टी एच ई एन देन, और एक ऑप्शन में लिखते टी एच ई एन देन, और डी ऑप्शन में लिख दे आपको यहां पर एंड। तो मुझे बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आएगा। आई होप आपने आप सही आंसर लगा रहे होंगे। तो यस एग्जैक्टली, इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कौन सा? बी वाला राइट होगा। मैंने जैसा आपको पढ़ाया कि अगर किसी सेंटेंस में वुड रेदर दे दे और दो वर्ग की फर्स्ट फॉर्मों को हमेशा कौन जोड़ेगा? टी एच ए एन देन जोड़ेगा। तो हमारा बी पोर्शन राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 56 जैसे दे रखा है स्क्रीन पर, ऐसे चार ऑप्शन आपको दे दे पेपर में, ए बी सी डी, चार सर्कल। तो कौन सा वाला? बी इज द राइट आंसर। बी पे जाके टिक कीजिए और आपका एक नंबर डन। सेम ऐसे एज इट इज पेपर के अंदर आता है, ऐसे आता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि बन सकता है और बनता भी है। तो मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं कैसे कैसे एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 6 और मैंने लिखा यहाँ पे कि I would rather और मैं यहां पे लिख दूं, सपोज दैट लिख दूं यहां पे नॉट वर्क हार्ड देन, और मैं यहां पे लिख दूं आई वुड रादर नॉट वर्क हार्ड देन, और यहां पे मैं लिख दूं लाइक फॉर एग्जांपल सपोज, चलो मैंने यहां पे एक ऐसी बना दिया स्टडी बना दिया, ठीक है, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे करके बना दिया, ये हो गया हमारा नो एरर, सपोज कीजिए नो एरर। तो विच पोर्शन इज रॉन्ग? सिंपल गाइस, जब वुड रेदर दे रखा है ठीक है और दो वर्ग की फर्स्ट फॉर्मों को, तो कौन जोड़ता है? देन जोड़ता है, लेकिन उसके अंदर नेगेटिव वर्ड्स नहीं आते, तो यहां पे नॉट का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि वुड रेदर देन के साथ नॉट नहीं आता है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इस टाइप का भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा जो मैं आपको करा रहा हूं। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 और आपको यहां पे लिख दे कि यू
खालिस्तान, रैदर, मैंने कहा यू खालिस्तान रैदर, डाई देन हेल्प मी। मैंने अभी क्वेश्चन बना दिया यहां पे कि यू फिल इन द ब्लैंक्स रैदर डाई देन हेल्प मी, और अब पूछेगा बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो पहला ऑप्शन है यहां पे दे दे आपको मे रैदर, विल रैदर, ऐसे करके विल, ये क्या है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में मे आएगा, या इस फिल इन द ब्लैंक्स में के अंदर वुड विल आएगा, या फिर वुड आएगा, और एक डी ऑप्शन आपको लिख दे यहाँ पे शुड। सो गाइस कौन सा राइट आंसर होगा? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में रैदर दे रखा है तो हमेशा कौन सा मॉडल आएगा रैदर के साथ, हमेशा रैदर के साथ जो हमारा मॉडल होगा वो होगा हमारा वुड, राइट आंसर होगा, तो सी इज द राइट आंसर। सो गाइस आपने देखा कि कैसे वुड रैदर देन से रिलेटेड एग्जाम्स के अंदर एरर आते हैं, और इससे रिलेटेड जैसे जैसे पेपर के अंदर एरर आते हैं मैंने आपको वो सारे के सारे एरर यहाँ पे कराए हैं, तो इससे बाहर एरर नहीं आता है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हो सकता है ऐसा भी एरर पेपर में फंस जाए, आई होप, तो ये भी कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 बना देते हैं, चलिए राम राम वुड सेल्डम राम वुड सेल्डम रैदर लिव हेयर देन गो फ्रॉम हियर फॉर एवर, और यहां पे इस तरीके से ये नो एरर। अब आपसे पूछिए बताइए कि कौन सा वाला पार्ट गलत है। मैंने आपको जैसा बताया कि अगर सेंटेंस के अंदर वुड रैदर दे दे तो उस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड्स नहीं आते, तो यहाँ पे सेल्डम का यूज नहीं होगा, क्योंकि सेल्डम क्या है, सेल्डम अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड्स है। तो इस प्रकार से हमारे वुड रैदर देन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं गाइस। तो गाइस अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वुड का तीसरा पॉइंट, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग यानी आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर जरूर आता है, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बुड का पढ़ा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट बुड का आखिर है कौन सा पॉइंट, थर्ड, और ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, प्लीज इसको लिख लीजिए। तो लिख लीजिए प्लीज इसको, तो स्टार्ट करते हैं। इफ लगाकर यदि, इफ लगाकर यदि कोई एक सब्जेक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कोई एक सब्जेक्ट दे रखा हो, इसको थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ लगाकर यदि कोई एक सब्जेक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, सब्जेक्ट दे रखा हो, इफ लगाकर यदि, यहां पे मैंने देखो इफ लगाया और यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है। इफ लगाकर यदि कोई सब्जेक्ट दे रखा हो, यहां पर सब्जेक्ट हमारा चाहे सब्जेक्ट शी हो, ही हो, दे हो, या फिर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट हमारा चाहे सब्जेक्ट हमारा यहां पर दे हो, वी हो, यू हो, या कोई नाम आ जाए, नाम मतलब किसी का नाम आ जाए, राम, लाइक सुनीता, ऐसे कोई नाम आ जाए, यानी ही हो, शी हो, दे हो,
यू वी हो, यू हो, या फिर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाए, आई आ जाए, यानी कोई भी हमारा सब्जेक्ट इसमें दे दे, इसमें कोई भी हमारा एक सब्जेक्ट दे दे गाइस, डन। तो मान लीजिए कि किसी सेंटेंस के अंदर हमें, ठीक है, इफ दे रखा हो और इफ के साथ हमें एक सब्जेक्ट दे रखा हो, सब्जेक्ट यानी हमारा ये जो सब्जेक्ट मैंने लिखा, ये सब्जेक्ट, इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट दे रखा हो, और इसके पॉइंट्स को समझना है, आप इसके मेन पॉइंट को समझिए, आप कभी गलती नहीं करेंगे। इफ लगाकर कोई एक सब्जेक्ट दे रखा हो, डन, और ये प्लस का साइन है, और उस सब्जेक्ट के आगे कोई भी वर्ब की फॉर्म ना आए, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं हिंदी में, कोई भी, ये ट्रिक्स है यार, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, कोई भी वर्ब की फॉर्म ना आए, यहां पे कोई भी वर्ब की फॉर्म ना आए, ठीक है, डन। इफ लगाकर कोई सब्जेक्ट दे रखा हो, कोई सब्जेक्ट दे रखा हो, ये जैसे मैंने सब्जेक्ट लिया सब्जेक्ट, और फिर इस सब्जेक्ट के आगे थोड़ा सा आगे बढ़ती कोई भी वर्ब की फॉर्म ना है, यहां पे कोई भी वर्ब की फॉर्म ना है, यहां पे गो, कम, ईट, गोइंग, गॉन, गोज, कुछ भी ना है, कोई वर्ब की फॉर्म ना है, मतलब कहने का मतलब यहां पे कोई भी वर्ब की फॉर्म ना आए, बस वर्ब की फॉर्म के अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे एडजेक्टिव आ जाए, नाउन आ जाए, लेकिन कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं आनी चाहिए गाइस, माइंड में ये चीज सेट कर लीजिएगा, यहां पर कोई भी वर्ब की फॉर्म ना आए। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इस सब्जेक्ट और यहां पे कोई भी वर्ब की फॉर्म ना आए, तो इस सब्जेक्ट के बाद हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी जिसका नाम है वर। क्या आएगी यहां पे? वर आएगी। क्या आएगी यहां पे? वर आएगी। क्या आएगी? हमेशा वर आएगी। फिर चाहे यहां पे शी हो, शी के साथ भी वर आएगा, चाहे आई हो उसके साथ भी वर लगाएंगे, चाहे ही हो, दे हो, वी हो, यू हो, या कोई नाम आ जाए, सुनीता, अनीता, सुरेश, राकेश, उसके साथ भी वर आएगा। बस आपको याद रखना है, इफ हो, सब्जेक्ट हो, और सब्जेक्ट के आगे चल के देखिए कोई भी वर की फॉर्म ना आए, तो हमेशा क्या आएगा? वर आएगा। हमेशा क्या आएगा? वर आएगा। ये इसका एक पार्ट है। थोड़ा सा और समझाता हूं मैं आपको इसमें गाइस। यहां पे जो लिखा हुआ है इफ, यहां पे क्या लिखा हुआ है? इफ लिखा हुआ है। तो यहां पे इफ का मतलब है क्या चीज, इसे मैं इरेज करके थोड़ा सा समझाता हूं। इफ का अर्थ होता है काश, यहां पर इफ का अर्थ होगा यदि, ठीक है, काश यदि, ठीक है, जैसे काश यदि, और इसका मतलब अगर भी हो सकता है, क्या हो जाएगा यहां पे? अगर, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा हम कई बार बोलते काश मैं राजा होता तो सारी प्रजा की मदद करता, अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो इस देश को सुधार देता, काश आप हमारे होते, काश तू मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता, काश तू मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखता, अगर मैं पक्षी होता तो हवा में उड़ता, ओ सॉरी फॉर, हाँ हवा में तो उड़ता गाइस, अगर मैं पक्षी होता तो हवा में उड़ता, अगर मैं भूत होता तो मैं तुझे खा जाता, अगर मैं पैसे वाला होता, अगर मैं पैसे वाला होता तो मैं सबकी मदद करता, इज इट क्लियर? काश तुम मेरे दोस्त होते, ठीक है, काश तुम मेरे भाई होते, ऐसे सेंटेंस इसी रूल से बनाए जाते हैं, डन, क्योंकि काश आप मेरे भाई होते, तो भाई क्या है? कोई वर्ब की फॉर्म है नहीं, है ना, भाई एक नाउन है, काश आप मेरे भाई होते, इफ इफ लिया, और यहां से क्या लेंगे? यू, इफ यू वर माई ब्रदर, काश आप मेरे भाई होते, ये मैंने एक छोटा सा भी रूल बनाया, इसके आगे का भी पार्ट मैं आपको समझा दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। अब क्या होगा, ये बनाने के बाद आगे इसके हिस्से को और जोड़ा जाता है, वो वाला हिस्सा बुट से बनाया जाएगा, वो वाला हिस्सा हमेशा बुट से बनाया जाएगा, तभी यहां पे एक रूल बना कि बुट का प्रयोग कल्पना करने के लिए भी किया जाता है, तो ये यहाँ पे एक इमेजिनेशन ही तो हो रही है, अगर मैं पक्षी होता तो हवा में उड़ता, अगर मैं राजा होता तो सारी गरीबों की मैं मदद करता, तो ये क्या इमेजिनेशन हो रही है, तो इमेजिनेशन करने के लिए हम बुट का यूज भी करते हैं। तो इसके आगे वाले सेंटेंस को
एक नया सब्जेक्ट आएगा, एक यहां पर नया सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर इस सब्जेक्ट के बाद वुड आएगा, यहां पे मैं यहां पे वुड लिख दे रहा हूं क्योंकि हमारे वहां पे स्पेस कम है, दिखाई नहीं देगा आपको। सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा, और वुड के बाद वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अभी तो मैं फिलहाल ये आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके भी आपको पीडीएफ बना के एक रूल सेट करके हम आपको टाइप करा के देंगे, जिससे आपको अगर कुछ ई आई में कुछ प्रॉब्लम होती तो आपको साफ क्लियर दिखाई देगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो हमारा ये रूल बन चुका है, इफ कोई सब्जेक्ट हो, यहां कोई भी वर्ब की फॉर्म ना आए, कोई भी वर्ब की फॉर्म ना आए, इस चीज का ध्यान रखना, तो हमेशा वर आएगा, और फिर इसके आगे एक नया सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा वुड आएगा, और वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब इधर वाला सेंटेंस, जितने भी इधर सेंटेंस बनेंगे, जितने भी इधर के सेंटेंस बनेंगे, वो सारे वुड से ही बनाए जाएंगे, सारे वुड से ही बनेंगे। चलिए एक हिंदी में सेंटेंस लेते हैं थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन मैंने यहां बना दिया, अगर अगर तुम समझदार होते, अगर तुम समझदार होते तो तुम ऐसा ना करते, तो तुम ऐसा ना करते। तो अगर तुम समझदार होते, अगर के लिए क्या आएगा? इफ, तुम के लिए यू, इफ आया, इफ ये रहा, और इसके साथ यू ले लिया हमने, इफ यू वर, और यहां पे फिर क्या आएगा हमारा, इफ यू वर, समझदार को इंग्लिश में बोलते हैं हम वाइज। क्या बोलते हैं हम समझदार को? वाइज कहते हैं समझदार को। इफ यू वर वाइज, अगर आप समझदार होते, बुद्धिमान होते, तो तुम ऐसा नहीं करते, तो के लिए आप कॉमा लगा लीजिए यहां पे, तुम ऐसा ना करते हैं, तो फिर यहां पे क्या आएगा, यू वुड नॉट, ये नॉट लगाया क्योंकि यहां पे नहीं आ रहा था, ऐसा ना करते तो यू वुड नॉट डू सो, ये हमारा सेंटेंस ऐसा बन गया। इफ यू वर वाइज देन या कॉमा, यू वुड नॉट डू सो, ऐसा करके हम बनाएंगे इस सेंटेंस को। डन गाइस, एक और सेंटेंस देखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं हम, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर पेपर में एरर कैसे कैसे आता है। थोड़ा सा बेस समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा कि काश तुम पक्षी होती, काश तुम पक्षी होती तो तुम हवा में उड़ती, तो हवा में उड़ती। काश तुम पक्षी होती, काश के लिए हमने लगाया यहां पे इफ, और यू के लिए हमने लगाया यू, और इसके साथ क्या जाएगा, वर। इफ यू वर, काश तुम पक्षी होती, तो मैं यहां पे बर्ड लिख दिया, इफ यू वर बर्ड, काश तुम पक्षी होती तो तुम हवा में उड़ती, यू वुड, यू वुड फ्लाई इन द एयर, यू वुड फ्लाई इन द एयर, तुम हवा में उड़ती, मैंने ऐसा बनाया। तो इस प्रकार से हम हजारों लाखों सेंटेंस बना सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको यहां पे बना के दिखाया, ठीक है, जैसे इस तरीके से। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम में कैसे पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर ये 2 है, और आपके पेपर में ऐसे दे दे, इफ शी इज माय मदर, क्या लिखा मैंने, इफ शी इज माई मदर, ये ए ऑप्शन बी ऑप्शन, इफ शी इज माई मदर, मैंने यहां पर लिख दिया इफ शी इज माई मदर।
फिर मैंने यहां पे लिखा शी वुड लव मी, शी वुड लव मी, और ये हो गया हमारा नो एरर, नो एरर। अब पूछिएगा आपसे एग्जाम्स के अंदर, बताइए विच पोर्शन इज रॉन्ग, कौन सा पार्ट में गलती है। तो मैंने आपको बताया कि आप जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, आप माइंड में जैसे इफ आया माइंड में एक चीज सेट कर दो। देखिए यहां पे इफ है, ठीक है जी, इफ है, ये रहा इफ, और इफ के बाद एक सब्जेक्ट है, कौन है, सी सब्जेक्ट दे दिया यहाँ पे जी, सी सब्जेक्ट है। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, फिर मैंने देखा कि मैंने क्या लिखा है, कोई भी वर्ब की फॉर्म ना आए। तो आप देखना चाहिए यहाँ पे कोई वर्ब की फॉर्म आई है, यहाँ कोई वर्ब की फॉर्म आई है, क्या है, मदर है यार, माई मदर यानी मेरी माँ, माँ क्या है, नाउन है, कोई वर्ब की फॉर्म तो नहीं। तो मैंने क्या बताया कि इफ दे दे और कोई सब्जेक्ट दे दे और आगे कोई भी वर्ब की फॉर्म ना आए तो हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, वर आता है। तो भैया यहां पे शी के साथ इसके स्थान पर वर का यूज किया जाएगा, तो हमारा यहां पे बी पार्ट गलत है, बी पे जाके आपको टिक लगाना होगा। तो एक एरर तो ऐसा आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा मेरी वीडियो को स्टॉप करके। और गाइस शायद आपको पता ना हो इस समय रात के आई होप 12:40 का टाइम हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, बड़ा मजा आ रहा है गाइस। चलिए इसे इरेज करते हैं, ठीक है। दूसरा हम एरर देखते हैं, दूसरा एरर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 36, और यहां पे दे दें आपको इफ आई खालिस्तान अ डॉक्टर आई वुड सेव, आई वुड सेव योर सन, आई वुड सेव योर सन। तो मैंने यहां पे लिखा गाइस, देखिए यहां पे मैंने लिखा कि इफ आई खालिस्तान, इफ खालिस्तान आई लगाया खालिस्तान अ डॉक्टर आई वुड सेव योर सन। तो मैंने यहां पे लिखा, देखिए आप यहां देखिए इफ दे दिया, इफ ये रहा, और यहां पे सब्जेक्ट क्या ले लिया इसने, आई लिया, आई ये रहा सब्जेक्ट हमारा। फिर मैंने बताया कि आगे कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं आती, यहां पे देखना क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर, डॉक्टर कोई वर्ग की फॉर्म है, वर्ग की फॉर्म है ही नहीं, ये नाउन है। तो सीधी सी बात है, बस याद रखिए इफ हो कोई सब्जेक्ट हो आगे कोई वर्ग की फॉर्म ना आए तो हमेशा क्या आएगा, वर आएगा। तो अब यहां पे आपसे पूछेगा कि बताइए कि भैया आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहां पे पहला ऑप्शन क्या वाज आएगा, क्या एम आएगा, ये एम लिखा है मैंने, क्या वर आएगा, और डी ऑप्शन में दे देगा आपको आर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, बताओ बताओ। तो राइट आंसर होगा जब यहां पे इसने इफ दे रखा है, जब यहां पे इसने इफ दे रखा है और आगे कोई भी वर्ग की फॉर्म नहीं है तो क्या आएगा, वर आएगा। फिर चाहे सब्जेक्ट आई हो, ही हो, शी हो, कोई भी हो, सबके साथ वर लगाइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वन इज राइट आंसर, ठीक है, सी वाला बिल्कुल सही है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर होता आई वुड सेव योर सन, तो मैं तेरे बेटे को बचा लेता हूं, ऐसे बनता है। तो इस तरीके से पेपर में एरर आता है। तो ये तो कई वर का एरर हुआ, कई बार एग्जाम में वुड का भी एरर आता है, तो हम जरा वुड को टारगेट करते हैं कैसे पेपर में एरर आएगा। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप कर करके। चलिए जी इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, हमारे पास स्पेस की कमी हो रही है, ठीक है। तो देखिए एक और क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, और आपको ऐसे लिख दे इफ शी वर माई माई वाइफ, और यहां पे दे दे आपको
इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत दिक्कत ना हो आपको। तो मैंने अब सेंटेंस बनाया, गया क्वेश्चन मेरे लिए मैंने, इफ शी वर माई वाइफ, काश वो मेरी बीबी होती, काश वो मेरी वाइफ होती, बीबी होती। तो शी और खालिस्तान, और मैंने यहां पे क्या लिख दिया, लव लव मी, वहां स्पेस कम है तो मैंने यहीं पे लिख दिया लव मी। आई होप दिख रहा होगा, लव मी दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो याद रखिएगा मैंने यहां पे लिखा है। चलिए मैं इसको इरेज करके इधर ले लेता हूं, आई होप शायद नहीं दिख रहा होगा। तो यह मैंने ये लिख दिया वाइफ, चलिए इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, इफ शी वर माई माई वाइफ, इसके आगे वाला सेंटेंस में यहां लिख दे रहा हूं, शी लव मी, काश वे अगर मेरी बीबी होती तो वह मुझे क्या करती। तो यहां पे पूछेगा बताइए कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आएगा, तो इसके ऑप्शन में यहां पे दे दे रहा हूं। सपोज दीजिए कि पहला ऑप्शन है यहां पे विल, बी ऑप्शन में मे, और सी ऑप्शन में हमारा वुड, और डी ऑप्शन में हमारा शुड। तो बताइए कौन सा आएगा, विल आएगा, मे आएगा, वुड आएगा या शुड आएगा। तो यह सिंपल सी बात है, इफ लगाकर कोई सब्जेक्ट दे दे और उस सब्जेक्ट का वर आ रहा है, उस सब्जेक्ट के साथ वर हेल्पिंग वर आ रही है, और कोई भी वर की फॉर्म ना आए। तो देखिए यहां पे इफ है, सब्जेक्ट शी है, और यहां पे देखिए क्या आ रहा है, वाइफ क्या है, नाउन है, कोई वर की फॉर्म नहीं, तो ये यहां पे वर आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। इफ शी वर माई वाइफ, काश में मेरी बीवी होती, तो शी लव मी, तो मुझे प्यार करती। तो आगे वाला सेंटेंस किससे बनेगा, आगे जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो सारे के सारे वुड से बनेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शी इज राइट आंसर, यहाँ पे वुड का यूज किया जाएगा। अब मैं सारा इरेज कर दूं ताकि मैं आपको और अच्छे से एरर समझा सकूं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस, है ना। चलिए अब हमारे पास स्पेस है, तो हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 51, और मैंने यहां पे लिख दिया इफ इफ ही इज अ रिच मैन, अगर वह एक अमीर आदमी होता, ही वुड हेल्प पुअर्स, तो वह गरीबों की मदद करता। और ये मैंने बना दिया नो एरर। तो विच पोर्शन इज रॉन्ग, कौन सा पोर्शन गलत है, तो आपके सामने है इफ दे दे, एक सब्जेक्ट दे दे और आगे कोई भी वर्ब की फॉर्म ना आए, कोई भी वर्ग की फॉर्म नहीं आ रही, देखो क्या रहे? नाउन आ नहीं, रिच मैन नाउन है, कोई वर्ग की फॉर्म नहीं है, तो भैया यहाँ पे इस की जगह क्या आएगा, वर आएगा। तो दिस पोर्शन इज रॉन्ग, इच की जगह वर्ग का यूज किया जाएगा, एक एरर तो ऐसा आ सकता है। एक एरर और देखते हैं, सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 22 है और आपको लिख दे ऐसे करके, इफ इफ यू वर माई ब्रदर, अगर तुम मेरे भाई होते, अगर तुम मेरे भाई होते, काश तुम मेरे भाई होते, तो फिर मैंने यहां पर लिखा यू यू मे यू मे हेल्प मी, और ये मैंने डी ऑप्शन यहां पर ले लिया, नो एरर, ये हमारा डी ऑप्शन है, नो एरर। तो विच पोर्शन इज रॉन्ग, तो हमने जैसे देखा इफ लगा कि सब्जेक्ट आगे कोई वर की फॉर्म नहीं आ रही, तो यहां वर आ रहा है और ये इमेजिनेशन में बात हो रही है, इफ यू वर माई ब्रदर, काश आप मेरे भाई होते तो यू मे हेल्प मी, तो नहीं, मे की जगह क्या आएगा, वुड आएगा। दिस पोर्शन इज रॉन्ग, मे की जगह वुड का यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बना के बता रहा हूं कि हो सकता है कि फ्यूचर में या आपके अपकमिंग एग्जाम के अंदर आपके हेड कांस्टेबल में, आपके सीजल सीपीओ में, या बैंकिंग में, डीएसएसबी में, इंग्लिश पीजीटी
टीजीटी या यूपी में जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से बार क्वेश्चन ही बनेगा गाइस। सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 और आपको ऐसे लिख दे, इफ शी इज, इफ शी इज माई सिस्टर शी वुड नॉट, शी वुड नॉट गो। मान लीजिए मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया, एक एग्जाम्पल हल्का सा बना दिया, और आपको इस चीज को वो क्या करे, अंडरलाइन कर दे और पूछे बताइए इसकी जगह क्या आएगा। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन है इफ शी वर माई सिस्टर she will not go। अगला ऑप्शन है she was my sister she would not go, और सी ऑप्शन देते हैं आपको, शी वर माई सिस्टर शी वुड नॉट गो। यहां पे मैंने शी वुड नॉट गो लिखा है गाइस। चलिए इसे थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा सा इधर पास में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, शी वुड नॉट गो। ठीक है, और हमारा डी ऑप्शन है नो नो इम्प्रूवमेंट। जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर दिमाग से बनाता है, मैं वैसे ही सेम उसी टाइप के आपको मैं एरर बता रहा हूं। इससे बार एरर बनेगा नहीं, आएगा तो ऐसे ही आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। तो बताइए क्या आएगा आंसर। तो हमने देखा यार, जब इफ लग रहा हो और आगे कोई भी वर्की फॉर्म ना आए तो क्या इज आएगा, नहीं आएगा। तो नो इम्प्रूवमेंट तो ऑप्शन आएगा नहीं। जैसे मैंने बताया नो इम्प्रूवमेंट तब लगाएंगे जब ऊपर वाला वाक्य शुद्ध होगा, सही होगा। अब इधर आ जाइए, इफ शी के साथ वर्ड तो आ रहा है लेकिन भैया पे विल नहीं आएगा, विल की जगह वुड आएगा, क्योंकि कल्पना की बात हो रही है, इमेजिनेशन की बात हो रही है। इफ शी वर माय सिस्टर, अगर वो मेरी बहन होती तो शी वुड नॉट गो, वह नहीं जाती। अब यहाँ पे देखिए इफ लगा रहा है, वाज आ रहा है, और यहाँ पे कोई भी वर की फॉर्म नहीं है तो यहाँ पे क्या वाज आएगा, नहीं, यहाँ वर आना चाहिए। दिस पोर्शन इज रॉन्ग। देखा ये वाला पोर्शन सही करा लेकिन ये वाला पोर्शन गलत करा उसने। अभी यहाँ देखिए थर्ड ऑप्शन, If she were my sister, अगर वो मेरी बहन होती तो she would not go, वह नहीं जाती। तो she is a right answer, ये grammatically बिल्कुल शुद्ध है, सही है। तो she is a right answer। ऐसे चार options आएंगे यार, चार गोले होंगे मेरे दोस्तों। हमें पता she is a right answer, सी पे जाके टिक करना है और हमारे एक नंबर डन हो जाएंगे। तो ये हमारा था वुड का कौन सा पॉइंट था, वुड का थर्ड पॉइंट था। अभी मैं आपको बुट का चौथा पांचवा छठा सातवां जितने भी इसके पॉइंट्स बनते हैं 8 9 10 सारे पढ़ाऊंगा, फिर उससे बाहर बुट नहीं आएगा।